अत्यंत प्रचलित सेनाओं के साथ मन को भयभीत कर देने वाले हमलों के साथ स्वागत करते हैं पापा मोगम वो सभी बालक बालिकाओं, छोरे छोरियों, लौंडे लौंडियाओं और मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा ताऊ के बालों के साथ निब्बा और प्यारी निब्बियों का भी। इस पहले अटैक चालू हो चुका है फ्रॉम टाउन ऑनलाइन लॉर्ड ईशान अटैक इस बेस के ऊपर के साथ वलार मरगोलिस सेमीफाइनल टू देखने को मिल रहा है आपको। रोमन रेज ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है। इन दोनों टीम में से एक टीम आज जीत करके फाइनल में लड़ेगी रोमन रेंज के अगेंस्ट सुमित मोगाम्बो चैंपियनशिप में। सुमित तुझे क्या लग रहा है, क्या वो क्रेजी यूनिट होगी या वो होगी वलार मरगोलिस? मुझे ये कि क्रेजी यूनिट जीत सकती है, देखते क्या होता है। मुझे लग रहा है गाइस खत्म यार, ये एक स्टार है। क्या बात कर रहा है यार, ये वही बंदा है जिसने क्वार्टर फाइनल में एक स्टार अटैक किया था ऑनलाइन पे, याद है ईशान ने? भगा देंगे क्लन वाले इसको, इसके सेमी फाइनल में जाके अगर ऐसे करेगा तो। सुमित वन स्टार तो नहीं होगा, क्वीन निकाल देगी टाउन हॉल को। क्या करेंगे जब चिड़िया चुभ गई खेत। चुभ गई गाइस, चुभ गई। पॉइजन है, क्वीन पे एबिलिटी है, एक हील भी है। आ सकता है ट्रिपल किंग अगर पीछा छोड़, मतलब किंग पीछा नहीं छोड़ रहा बस। अरे 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 मोया ट्रिपल है ये भाई, ये तब भी ट्रिपल है यार, ये क्या यार। तुम सुमित्र को कमेंट्री करनी नहीं आती यार, तब से बोल रहा है कि चुक गई पुक गई पुक गई। यहाँ बेस की गद्दी बिठा दी इस बंदे ने यार, तू कह रहा वन स्टार मारा था, बेइज्जती कर रहा है गाइस। मैं क्या बोलूं, ये सामने देख के बोल जो बोल रहा है, नीचे देखता रहता गाइस, नीचे को ढूंढता रहता है। मुझे लगता है अरे भैया आईपैड है, आईपैड के मैं नहीं देखता ये, मुझे लगता है ऐसे थोड़ी देखता हूं यार। अरे कुछ और चला के बैठ जाता होगा भाई साहब, ये कोई क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट कर देता होगा। देखो इतने सारे हॉक्स वजह पॉइजन इसने स्वैग कर दिया सीसी, यहां पे 3 स्टार के साथ स्टार्ट कर दिया है। क्रेजी यूनिट की तरफ से 3 स्टार का बदला लेने के लिए आ गए हैकर। सुमित हैक कर पाएगा क्या सीओसी को, ऐसा लग रहा है क्या? सीओसी हैक नहीं हो सकती, सीओसी मतलब सीओसी है ठीक है, सीओसी में एक भी हैकर नहीं है। हाँ, गॉड ऑफ हैकर नाम बना रखा है इसने, गॉड ऑफ हैकर्स मतलब, अच्छा हैकर नहीं है, हैकर्स का बाप है वो। हाँ गॉड, हाँ मतलब भगवान है उनका, भगवान है वो। तो गाइस देखते हैं हैकर के भगवान को टाउन हॉल 9 पे अपनी हैकिंग कर पाएगा कि नहीं। टाउन हॉल 9 पे हैकिंग फेल हो गई थी सुमित ना, ये फेल नहीं होगा, सही जा रहा है। अरे नहीं, बाहर निकल गए गाइस, बस हो गया काम। और सारे हॉक्स वहां पे गए तो खत्म, नहीं आएंगे। अरे ट्रिपल है यार ये, दो हील बची है, बेस में कुछ बचा ही नहीं है, वो एडवांस में हील डाल के चल रहा है, चीर दिया बेस को सुमित हैकर ने, गॉड ऑफ हैकर ने भाई साहब है, हैक लगा दिया गाइस इस बेस के ऊपर इसने बिल्कुल। एंड उसी के साथ दोनों टीम की साइड से दोनों अटैक ट्रिपल निकल चुके हैं टाउन ऑनलाइन के। ये दोनों ही टीमें जूता बजाओ प्रतियोगिता में शानदार तरीके से जूता बजा रही है। रोमन रेंज ऑलरेडी फाइनल में जाके बैठ चुकी है, ये दोनों टीम को संघर्ष करना पड़ेगा अभी फाइनल तक का सफर तय करने के लिए। और जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है दोनों ही टाउन ऑनलाइन पे, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अलग किस्म के अटैक देखने को हमें मिलेंगे, मौज आ जाएगी दादा। अरे बाप रे, पॉइजन इसने स्वैग कर दिया सीसी के अंदर, सीसी के ऊपर। हाँ मार, मरे हुए सीसी को मार एक दर्जन। हेलो, तो गाइस यहाँ पे वलार मरगोलिस की तरफ से अटैक चालू हो चुका है, पड़ोसी घर जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, भाग नहीं रहे यहाँ से, की शादी की बात छेड़ी जा रही है। अरे यार भाग जाओ यार। सुमित क्या लग रहा है ये स्नेक ओपी के साथ हो रहा है? ये तो वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, सांप है ये तो, सांप अटैक कर रहा है बेस के ऊपर सुमित। टाउन 11 पे ओपी करके एक बंदा है, क्या ही नाम रखा, स्नेक स्नेक बाय। अरे हाँ ना बाय, जाओ ना यार। तो गाइस भाई क्या ये सांप इस बेस के ऊपर अपना जहर फैला पाएगा? सुमित जहर फैलाए ना पाए, ये फन जरूर फैलाएगा, ठीक है। वलार मरगोलिस है ये, दोनों ही तगड़े के लेने सेमीफाइनल्स तक आए हैं,
फाइनल तक इन दोनों में से एक को जाना है। किंग की बहुत बढ़िया एबिलिटी दिया है क्योंकि क्वीन बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ ही क्वीन को तुरंत पेल दिया गया है। ये उसी वजह से एबिलिटी दी थी इसने, बंदे ने पहले देख लिया कि क्वीन उसके बाहर है, तुरंत एबिलिटी दे दी, तभी की तभी दे दी सिर्फ क्वीन को मारने के लिए। मैं समझ गया, बड़ा आरामी किस्म का इंसान है भाई ये। सीसी पूरा बाहर आया नहीं है, क्वीन टेक डाउन कर देगी एक्सबो को बिल्कुल। ड्रैगन्स आ चुके हैं और अभी आएगा एक और चीज जिसका नाम क्या है सुमित, बड़े वाला बल। अरे नहीं वो बड़ा डायरेक्ट आएगा यहां पे, अब एक भी एयर डिफेंस बचा नहीं है। स्टोन स्लैमर टाउन 10 और 11 में बहुत पावरफुल काम करता है, ऐसा है ये, ऐसा है जैसे संजीवनी बूटी की तरह है बिल्कुल। ईगल के पास आ रहे ड्रैगन्स और ओपी हील डिप्लॉय करी गई है, टोर्नेडो के अंदर फंस चुके हैं लेकिन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे इधर हो रहे वहां पे, अरे ये इधर में जो इसका एक वो है ना, क्या नाम है इसका, सीसी में से निकला था ये भाई, मार रहा है कि यार उसको यार बच्चों को यार मार दिया यार, बलून बलून मार दिया उसने यार। और ड्रैगन राइडर यूज किया है सीसी के अंदर, यहाँ पे एक हील होनी चाहिए थी पर फ्रीज बची है, फ्रीज भी बढ़िया काम करेगी। दो बलून आ गए हैं खाता में सुमित, ये वलार मुरगुली से ओपी बोलते घोड़े खोलते, अब इसका क्या बदला क्या जवाब दे पाएंगे क्रेजी यूनिट वाले, उसको जानने के लिए देखते रहे सुमित मोगेम्बो चैंपियनशिप आज तक कल तक और परसों तक। बिल्कुल ड्रैगन्स 1 2 3 4 5 6 7 ड्रैगन्स और एक बेबी ड्रैगन अभी भी जिंदा है, वलार मोरगुलिस एकदम ओपी खेल रहा है। जॉन्टी आ गए हैं, जॉन्टी जॉन्टी देखो आंख मेरी लड़ी है, जॉन्टी जॉन्टी, अरे जॉन्टी सिंस नहीं होता भैया, अरे यार वो जॉन्टी रोड्स, जॉन्टी रोड्स नाइस फील्डर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी यहाँ पे जॉन्टी सांप के ऊपर अटैक कर रहे हैं सुमित, सांप ने डस ना ले इनको, क्वीन चार्ज कर रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल हाइब्रिड, 8 हॉक्स लेके आए हैं, 13 ही माइनर्स है, 2-2 सिंगल इन्फिर्नोज है। ईगल कंपार्टमेंट में घुस के ईगल को मारने की कोशिश रहने वाली है इनकी, ईगल तक तो क्वीन शायद जा पाए, सही डायरेक्शन देना उतना ही मुश्किल है। अरे बाप रे नाइस फ्रीज, नाइस फ्रीज, ये अब सुपर मिनियंस उतना मतलब क्वीन को खतरनाक तरीके से मतलब डाउन नहीं कर पा रहे पॉइजन के अंदर आजकल। आई पहले वो स्टार्टिंग की उसके 4-5 वो होते हैं ना तगड़े, उस टाइम पे वो जो पॉइजन डाल देते तो स्लो पड़ जाते हैं वो, ये गलत दीवार तोड़ रहे हैं यहां पे। वॉल ब्रेक, एक और वॉल ब्रेक डालनी पड़ी, अरे परफेक्ट वॉल ब्रेक रहे, पर जल्दी जानी चाहिए वॉल ब्रेक, अरे गई जाएगी ओपी 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 ओपी, पर क्वीन जाएगी नहीं उधर, उधर जाएगी नहीं क्वीन माइनस, लेकिन हाइब्रिड चालू हो चुका है हां, ताकि जो डिफेंस एंड बिल्डिंग से वो डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्वीन को ईगल कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जबरदस्ती भेजना पड़ेगा उसको। अब जाएगी, अब जाएगी गाइस, एंड रेज भी परफेक्ट डाली गई है क्वीन के ऊपर, वार्डन एबिलिटी आ गई है अर्ली आ गई थी, यहां पे बारबेरियन किंग है तो परफेक्ट फ्रीज स्पेल जो कि एकदम परफेक्ट डिसीजन था क्योंकि स्केलेटन और बारबेरियन किंग और सिंगल था। ओपी चल रहा है सुमित अटैक, क्वीन के ऊपर रेज आनी चाहिए, नहीं आई, एबिलिटी यूज कर ली, सही है रेज स्पेल है एंड आई थिंक रेज स्पेल आगे आ सकती है, सेकंड हिल स्पेल डिप्लॉय हो चुकी, अरे बाप रे क्वीन को सिंगल ने पकड़ लिया, मतलब क्वीन का मरना, ओ बच गई आरामी क्वीन, आर्चर क्वीन भाग गई है, घूम गई, रेज आ गई है, बेस बचना खत्म, ये बेस खत्म। तो क्रेजी यूनिट की तरफ से 3 स्टार का झटका, 3 स्टार से दे दिया जाएगा, पर होग राइडर अपना दिमाग लगा रहे सिंगल टारगेट पे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनर जाएंगे, माइनर्स आ गए हैं और अब इस बेस के ऊपर छा गए हैं, तो धनाधन दे धनाधन, 3-3 तन 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 तन, मुरगुलिस की साइड से आ चुका टाउनल 10 मिड 10 और रे बाप रे 6 पैक का लेकर आए हैं, 2 सिंगल के सामने मैच पैक का अटैक हो रहा है, 2 सिंगल के सामने देखते क्या होता है गाइस। भाई सीसी के अंदर बॉलर्स हो सकते हैं ना या हॉक्स हो सकते हैं, वो जंप डाल दे इसने सीधा ही, जायंट्स भी उस, अरे मोगी भाई 3 जंप लेके आया बंदा, फुल स्पैम चल रहा है, कह रहा पार्ट डालूंगा, अरे बाप रे बाप, मैं समझ गया क्या होने वाला है इसका प्लान, सीसी निकल चुकी है, किंग को पकड़ लिया, नाइस, 2 जंप नहीं सुमित 3 जंप है, 1 जंप पहले डाल दे टोटल, यप, और आर्मी ठीक, हॉक्स होने वाले, बस ये जायंट ही गलत गए हैं, बाकी तो आर्मी ठीक गई है। जायंट्स मतलब क्या ही कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बिना बात के कुछ नहीं कर रहे, कि जिस काम के लिए आए हैं वही काम नहीं कर रहे, पूरी आर्मी मर जाएगी ना तभी जाके टैंक करेगी।
अरे हॉक्स के ये क्या सीन हो गया गाइस, हॉक्स पे जंप आ रही है गाइस। वो मेन आर्मी के लिए आ रही है, पर वो हॉक्स भी जंप कर रहे, तो ऐसा लग रहा है कि हॉक्स पे जंप आ रहा है। लेकिन अटैक बहुत तगड़ा है, सुमित एक ही मिनट में ट्रिपल मार दिया, देख रहा है। अरे यार सिंगल के सामने मैच फेंका, लाइक क्या ही कर दिया गाइस बंदे ने, खतरनाक लेवल का अटैक हो गया गाइस ये तो। 1.5 मिनट में भूत बना दिया, सात सात फेंका, सात और सीसी का एक, सीसी का मतलब ये सीज मशीन का एक फेंका, इतने पैका डाल दूंगा, इतने पैका डाल दूंगा जो किसी ने सोची ना होगी। यहाँ पे राहिल की तरफ से बहुत ही धुआंधार अटैक हमको देखने को मिला है, एकदम घोड़े पिछाड़। मतलब ये जायंट मतलब फोकट में घूम रहे हैं यहाँ पे फ्री में, मतलब। अरे नहीं यार, ये वाले जायंट के लिए मैं तरसता था सुमित जब टाउन हॉल 8-9 पे था, मेरे को ऐसा लगता था वो भगवान है जिसने मेरे को, हाँ जो मेरे को दे देता था, ऐसा लगता था भगवान है भाई वो। जब ये चलते हुए आते थे ना सीसी वहां के घुसते थे, मेरा इज्जत ही नहीं है यार, जायंट की इज्जत ही नहीं है यहां पर। मजा आ गया, ओ गो भाई, ये मेरे को सबसे मस्त वेटर लगा, सिंगल से बातें सी बातें जाएगी, मेरे को बताया तेरा तेरा बहुत ज्यादा तेरा लोग लोग लॉन्चर इस्तेमाल कर रहा है चार लाइटिंग के साथ, सिंगल टारगेट फंडो को उड़ाने की कोशिश रहेगी मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल क्वीन को भी साथ में डैमेज दिया गया बहुत ही ज्यादा। अरे अर्थक्वेक से मरती नहीं है क्या क्वीन सुमित? ना दो गोलेमंस आ गए, मेरा मन करता है कई बार बिल्डिंग बन जाए यार वो, और हिले ही ना एक जगह पे, बस खड़ी रहे। बिल्कुल जैसे ग्रैंड वार्डन है। हाँ तो फिलहाल यहाँ पे ये लॉग लॉन्चर को यार मतलब ये बहुत मतलब क्या बोलूं यार, पूरी आर्मी भटक जाती है इसको, इसलिए मैं यूज नहीं करता ज्यादातर टाइम, दिमाग ही खराब हो जाता है जब इसको डालते हैं, आर्मी भटक जाती है, वॉल फूटती नहीं है जल्दी। इसको पहले डालना चाहिए, अरे कितना भी पहले डाल वो आर्मी भटक जाते पर डैमेज लेना चालू कर देता है फिर खुद पे। अरे हील 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 हील, और भाई भाई बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट चीज करा, मर गए थे बॉलर, वापस जान डाली उनके अंदर। बिल्कुल ये अटैक फेल होएगा, मुझे तो लग रहा है फेल होएगा, फेल ही फेल ही लग रहा है। अरे क्वीन पे रेज डाल दी गाइस, तीन ही होक्स बचे हैं यार, और पैक का टैंक कर रही है, उधर से गोलम टैंक कर रहा है, ये होग नहीं डालने चाहिए थे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, होग्स डालने ही नहीं चाहिए थे। दो बेबी ड्रैगन, दो बलून्स भी है, किंग की एबिलिटी भी है बिल्कुल, पर ये एयर डिफेंस ना अंदर की साइड पे है, कोई नहीं किंग निकालेगा ना उसको। अरे इधर से, अरे इधर से पैक है ना, देख फुल पावर में, शायद दीवार तोड़ दे, क्या पता। किंग की एबिलिटी पड़ी हुई है, पड़ी तो हुई है, पार्किंग अभी दीवार में बिजी है। विजार्ड टावर ने और विजार्ड बढ़िया काम कर रहे हैं, विजार्ड ने निकाल दिया भाई, नाइस। ट्रिपल है ये नहीं बचेगा, इसकी दाब होगा तो बन गए भाई यार। यार कोई फेल मारेगा या नहीं मारेगा, दोनों टीम पकला गई है के, 3-3 मार रही है, हमें ऐसे फिर विनर का कैसे पता चलेगा। रे फेल करो, रे फेल करो, कोई भी टीम फेल नहीं करना चाह रही है, इनकी एबिलिटी दे दे भैया, दे दी गाइस, और दो बलून्स आई थिंक डालना ही भूल गया है ये बंदा, स्वैग है यार वो। तो 3-9 वलार मुर्गुलिस 4-12 कर पाएगा क्या, दोनों तरफ से सुमित 3-3 चल रहे हैं। और तो बाप रे, सबसे मस्त चीज क्या लग रही है ना सुमित, एकदम नीचे से वो लेके ऊपर तक उधेड़ने का काम कर रहे हैं लोग, सुपर गोबलिंस। गाइस गाइस गाइस, अगर ये अटैक 3-स्टार होता है तो मेरा मजा आएगा यार, क्या ही दिमाग लगाया ना बंदे ने। क्वीन चार्ज हॉग मोगी भाई, एक टाइम पे याद है आपको वो अर्थ करके एक बंदा था जापानीज बंदा, याद है आपको लेजेंड लीग में? यस 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 आई नो, याद है यस 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 यस, खतरनाक बंदा था यार, लोग भूल गए यार उसको, वो खतरनाक अटैकर था सबसे, जब वो लेजेंड लीग के बोर्ड पे रहता था नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, मोगी भाई 600 600 800 800 ट्रॉफीज का डिफरेंस था नंबर 1 और 2 के बीच में भाई साहब, सब समझ रहे, हमने बहुत खतरनाक, हम भी उतने ही पुराने जितने पुराने तुम हो। अच्छा जी, और पुशिंग में तो हम बहुत टाइम से रहे हैं, तो पुशर्स को तो हम जानते हैं दुनिया भर के, और वो अर्थ ऐसा अर्थ था जिसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनी थी, और उसने अर्थ ही हिला दिया, अर्थ ही हिला दिया था उसने भाई, बहुत गंदे तरीके से, मतलब आगे रहता था वो, आसपास ही नहीं आने देता था। हगुरे मेटल का बंदा था ना वो? यस, हग्योर मेटल,
हैग्यूर नहीं, वो हगुरे होता है उसका। मेरे को हैग्यूर अच्छा लगता है उसको बोलना, मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ। अपन इंग्लिश को गाइस मैं अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश मैं ही जानू। यहाँ पे काफी शानदार तरीके से क्वीन चार्ज अभी तक की जा रही है। जिस तरह से ये अटैक चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये बेस ना बच पाए, पर किंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अटैक को फेल कराने की। इसको भेजा गया था अलग जगह पे, पहुंच गया है ये दूसरी जगह पे। क्वीन को टेक डाउन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हेड हंटर्स का झुंड आ गया है। सुमित क्या लग रहा है, सीसी में भी होग्स है? खत्म है यार मोगी भाई, ये दो दो हील भी है और टेस्ला फार्म निकल गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हील डाल देगा ना टेस्ला फार्म पे, नहीं डालेगा डाल दे। अरे हेल्थ बहुत कम है यार इनकी होग राइडर्स की, मरने वाले होग राइडर्स मर गए। ना 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 खत्म। अरे यार ना ना ना, मल्टी टारगेट इन्फर्नो जीवन में सबसे बड़ा दुख है। मेरे से ज्यादा परेशान कोई नहीं होता मल्टी टारगेट इन्फर्नो से। सबसे बुरा सबसे घटिया दो कोड़ी का डिफेंस लगता है मेरे को मल्टी टारगेट इन्फर्नो। सारा सिंगल पसंद है। अरे क्वीन की एबिलिटी दी थी, पागल है ये इंसान, उसको टाइम फेल लग रहा है वैसे। सही किया, सही किया, क्वीन अभी तो इंपॉर्टेंट है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है सुमित, पहला अटैक फेल होते हुए हमको नजर आ रहा है सुमित यहां पर। बलार मुर्गुलिस की साइड से पहला अटैक, अभी तक नो अटैक, छह अटैक से पहले फेल, टाइम फेल होगा ये प्रॉपर तो पॉसिबल। हां हां फेल कैसा भी फेल हो भाई, फेल तो फेल ही है। किंग ने बेचारे ने कोशिश तो करी अंदर तक आने की, पर पूरा अंदर आ ना पाया और ये अटैक तीन स्टार जा ही ना पाया। बुरा लगता है गाइस गाइस गाइस, पहला अटैक फेल हुआ वलार की तरफ से, मर्गुलिस की तरफ से। क्या उस अटैक फेल का फायदा उठा पाएंगे ये लोग? ब्लिजार्ड लावालून लेके आ गए हैं नेमेसिस नोवा, बना देंगे इस बेस का मारिया सारापोवा। नाइस राइमिंग। अरे मेरे को बहुत पसंद है वो टेनिस की लड़ी, देखा सुमित तूने? हाँ बना दिया इसका दूसरा मारिया। अरे बना दिया भाई इसका, खा गया इस पूरे बेस को ये। मल्टी मल्टी मल्टी, अरे अरे भाई साहब, भाई साहब नहीं आएगा मल्टी, नहीं आएगा मल्टी, नहीं आएगा। अरे यार खा गया यार ये तो मोगी भाई, खा गया, खा के पी भी गया, पूरे बेस की पसलियां तोड़ दी। नाइस अटैक भाई साहब, ये वॉर एक अलग लेवल धारण कर रही है सुमित। सेमीफाइनल फाइनल से पहले का फाइनल लग रहा है ना बिल्कुल। मैं तो MVP ढूंढ रहा हूं फाइनल से, सबसे क्रिएटिव अटैक जो करेगा उसको मिलेगा MVP। लेकिन वो तो फाइनल में मिलेगा ना सुमित? हाँ बिल्कुल। ओके मतलब फाइनल वाला मैच होगा जो इसके जो मतलब आगे जो हमारा इसके बाद जो दो फाइनलिस्ट टीम होंगी, जैसे एक रोमन रेंज इन दोनों में से एक फाइनलिस्ट टीम होगी। यस यस, वहां पे जो सबसे ओपी अटैक करेगा उसको 5,000 रुपए इनाम अलग से, विनिंग प्राइज अलग से, और टाउन हॉल के सामने से डायरेक्ट। हाँ अभी टाउन हॉल पे वार्डन की एबिलिटी आएगी, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये मल्टी एक्सपेक्टेड था पर आया नहीं, उसके बावजूद अटैक आउट। अरे टोर्नेडो निकल गया, तब भी नहीं बचेगा ये बेस सुमित। दो बलून और बचे हुए हैं इस बेस के अंदर, वो जान ही नहीं बची है। परफेक्ट एबिलिटी पॉइजन, पॉइजन नहीं है हेस्ट है, पॉइजन डाल दिया इस पे ईगल पे, मर नहीं रही थी ना वो, टूट नहीं रही थी, पॉइजन से तोड़ दी गाइस इस बंदे ने, देख लो। यार ये क्रेजी यूनिट वाले बंदे तो क्रेजी हैं यार, फेल ही नहीं कर रहे हैं यार ये। क्रेजी क्रेजी अटैक करके ट्रिपल मार दिया भाई साहब, 4 में 12 और 4 में 10, 4 में 11 और वो भी 99 टाइम फेल, वो भी टाइम फेल 99% भाई साहब। रुक ही नहीं रहेगा इस बंदे, रुक ही नहीं रहेगा इस आखिरी के दो अटैक। ओके गाइस अगला अटैक, आखिरी अटैक चालू हो चुका है वलार मुर्गुलिस की साइड से। मैं चाहता हूं सुमित ट्रिपल हो, बेस लेआउट बहुत तगड़ा है, मजा है। ओके क्वीन चार्ज ड्रैगन राइडर के साथ घुस चुके हैं मैदान में, बेस लेआउट टाउन हॉल कंपार्टमेंट न्यू किस्म का है ये बेस लेआउट, अलग ही लेवल का लग रहा है मेरे को। आजकल जो टाउन हॉल 14 पे सुमित पैटर्न पता क्या चल रहा है? तीन अलग अलग कंपार्टमेंट में तीन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, मतलब एक साइड में स्कैटर शॉट रहेंगे और आर्टिलरी हमेशा अगेंस्ट में रहेगी। मतलब कोई भी बेस देखेगा ना, अगर तो बेस बिल्डिंग मतलब हम लोगों ने तो मतलब लगभग 8,500 रुपए खर्चा करे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, 15,000 करा था वे।
लोगों ने तो उतना करा था, हमने तो कम ही करा था। 15 स्टार का 15 खर्च करके हमको 14 मार गए यार। पैसा बर्बाद हो गया गाइस। तूने कम पैसा खर्च करा ना, हमने ज्यादा किया तो हमको ज्यादा वसूली मारे, हमको ज्यादा वसूली मिली। तो गाइस यहाँ पे क्वीन चार्ज में तो काफी शानदार चल रहा है ये किंग, और क्वीन टाउन हॉल के पॉइजन में बिल्कुल भी नहीं है तो वो एक सही है। सिंगल टारगेट ने पकड़ लिया, फ्रीज, ओपी फ्रीज बच गई। और ये मैंने आज बहुत चीज नोटिस किया है, मतलब आजकल के टाइम पे जहां पे जिस कंपार्टमेंट में बार्बी रेन किंग को छोड़ा जाता है वो उसके साथ रॉयल चैंपियन बैकअप के लिए छोड़ दी जाती है ताकि और एक्स्ट्रा वैल्यू मिले। भाई स्कैटर शॉट की पोजीशन इतनी बढ़िया थी ना, किंग को मार ही देता वरना किंग पहुंच ही नहीं पा रहा था स्कैटर शॉट पे। देखा कितना बढ़िया तरीके से उसको गार्ड किया हुआ था, क्या ही प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया है, मजा आ गया। बेस का लेआउट मुझे बहुत बढ़िया लगा सुमित, बेस का लेआउट जितना प्यारा लग रहा है उतना ही प्यारा मेरे को इसका अटैक भी लग रहा है। ईगल साइड से अटैक कर रहा है, बिल्कुल सही डिसीजन, वहीं से करना पड़ेगा, मर जाएगा वरना रे। और ये सही किया कि मेन आर्मी के साथ आरसी डिप्लॉय नहीं करी क्योंकि बार्बी रेन किंग है वहां पे, खाई जाता है। सबसे बड़ी बात है क्वीन के ऊपर रेज दे देनी चाहिए इसको अभी की अभी, क्वीन को बचा ले, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दे दी रेज दे दी। क्वीन को बचाने का डिसीजन जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन है इसका अभी तक का। पर क्वीन को रॉयल चैंपियन मेरे को 3 स्टार लग रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्रॉपर डिप्लॉयमेंट क्वीन ना मर जाए बस, बच गई क्वीन, अब बेस नहीं बचेगा भाई। क्वीन बच गई, इतना प्यारा था उससे प्यारा ज्यादा अटैक मेरे को अटैक भाई सुमित, यहां पे वलार मॉर्गुलिस का एक ही अटैक फेल हुआ और वो 99% हुआ, यानी कि क्रे और क्रेजी यूनिट का कोई अटैक फेल नहीं हुआ। लेकिन जीतने के लिए ना बेटा ट्रिपल ही मारना पड़ेगा, 99% पे भी जीत नहीं पाओगे, नहीं जीत पाओगे। और वो भी टाउडल 14 का बेस बचा हुआ वलार मॉर्गुलिस का, तो यहां पे अटैक फेल करने के बाद भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में मेरे को वलार मॉर्गुलिस लग रही है सुमित यहां पे। बिल्कुल, अब उनके ऊपर तो मतलब प्रेशर, मतलब एकदम ऐसा घंटी बज गई होगी दादा, घंटी हाथ वात में पसीने छूट रहे होंगे गाइस। जिसको अटैक जिसको अटैक करना ना उसके, अरे 90 अरे 99 ना हो जाए, ना ना अरे ए हो गया। फाइनल अटैक आ रहा है क्रेजी यूनिट की तरफ से, लाउरेंस लाउरेंस। ब्लिजर्ड जैप ड्रैगन हो रहा है, सीसी तो बच ही नहीं सकता, सीसी भी आ गया, रॉयल चैंपियन भी आ गई, पूरा कंपार्टमेंट आ गया, 200-300 साल की खुशियां आ गई है, किंग को डिप्लॉय कर दिया गया, पूरा राउंड लेके टाउन हॉल भाई मेरे को लग रहा है टाउन हॉल तक हीरोज के साथ टाउन हॉल निकालेगा और ईगल साइड से मेन अटैक। हां यही तो प्लान है, तुझे क्या लगा कोई और प्लान है? ना 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 ना, पर यहां पे फनल बनाना पड़ेगा ना, किंग के अंदर जाने के चांसेस कम है। नहीं नहीं नहीं, वॉल ब्रेक डाल दिया जाएगा रे, एक और वॉल ब्रेक डालेगा अभी किंग जाएगा, तब डालेगा जब वो वॉल ब्रेक तब डालेगा जब ये विजिट टावर फूटेगा, विजिट टावर फटने से पहले नहीं डाल पाएगा। जब तक अगर यहां पे लॉरेंस भाई साहब, अगर लॉरेंस भाई साहब यहाँ पे ट्रिपल नहीं मारते हैं, 99% भी करेंगे तो भी जीत नहीं होगी, ट्रिपल ही चाहिए। और ट्रिपल मारने के लिए ट्रिपल का अटैक, ट्रिपल के लिए अटैक तो सुमित बहुत खतरनाक तरीके से स्टार्ट किया है ना। हाँ मेरे को तो मतलब मजा आ गया यार प्लान वन देख के, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अरे टीम एक्सो का प्लेयर है यार, तेरे को बोला मैंने। देख रहा गाइस हमारे टीम एक्सो वाले मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे खेल रहे हैं, ऐसे एक ही खेल रहा है, अकेला ही खेल रहा है। टाउन हॉल 14 से ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी ओपी, 15 स्टार की जरूरत है जीतने के लिए सुमित, 4 फ्रीज है यार, 15 स्टार की जरूरत है। और बेस की ना खाल उतार दी इसने, बेस की खाल उतार दी है, स्पेल देखो गाइस कितने सारे स्पेल्स बचे हुए हैं अभी भी, बेस को ट्रिपल नहीं मारा, बेस की खाल उतार दी एकदम, मतलब बहुत खतरनाक तरीके, 15 स्टार की जरूरत थी और 15 ही दे के मारा है, मजा आ गया। तो यहां से चार हाउसिंग स्पेस स्पेल का स्वैग गाइस, बिल्कुल यहां से हमें हमारी सेकंड फाइनलिस्ट टीम मिल गई है जो कि है क्रेजी यूनिट, जो कि अब जाके भिड़ेगी रोमन रेंज के साथ सुमित, वो भी 15 स्टार मार के गए थे सेमीफाइनल में, 15 पे ले गए, ये भी 15, ये भाई साहब अलग ही लेवल का मैच होने वाला है, जो बेस्ट ऑफ टू होने वाला है, जो दूसरी टीम है वो भी 15 स्टार मार के गई थी हल्के में, मत लेना, और ये भी 15,
अलग अलग ही तो चल रहा है गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे क्रेजी यूनिट ने निकाल दिया है इस वॉर को 15 स्टार मार के, एक अटैक फेल हुआ था वलार मोरगुलिस की तरफ से, वो भी 99% हुआ था और 99% का फायदा उठाया यहाँ पे क्रेजी यूनिट ने और 15 मार के अपनी जगह बना लिया फाइनल में। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। सुमित की खांसी का ध्यान मैं रखूंगा और साथ में ध्यान रखें अपने माता पिता का भी।